स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ट्रम्पेट की एक और नई मसालेदार वीडियो में। मैं हूं मधु चौहान और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ धैया। तो आज हम बात करेंगे कल जो एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। तीन टेस्ट मैच की सीरीज है, न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। भारत को अब एक भी मैच नहीं हारना है अगर WTC फाइनल में जगह बनानी। तो सिद्धार्थ आपका क्या कहना है? देखिए मेरा तो ये कहना है कि बहुत दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैचेस, होम टेस्ट मैचेस है खासकर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले इंडिया के लिए। एंड आई थिंक आगे जाते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है इंडिया का कि वो अब सारे मैच अपने जीतें एंड WTC के लिए क्वालिफाई करें। खैर ऐसा तो नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, बट आई थिंक थोड़ा टफ तो रह सकता है। और क्या उम्मीदें हैं, मतलब जो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये प्लेयर बाहर होगा, ये प्लेयर टीम में रहेगा, इस प्लेयर को लाओ, थोड़े बहुत KL राहुल, मोहम्मद सिराज, इन पे भी बातें चल रही हैं, उन पे आपका क्या कहना है? देखिए मेरा तो ये कहना है KL राहुल का स्पेशली आई थिंक बहुत काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है कि उनके रन नहीं आ रहे हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है एंड ये हमने काफ़ी अब होते हुए देख लिया है। एंड आई थिंक KL राहुल के लिए क्योंकि सरफराज खान ने अगर आप देखेंगे क्या इनिंग्स खेली थी उन्होंने एंड 150 रन की इतनी बेबाक पारी, और मुझे तो बहुत मज़ा आया उन्हें देख के, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अब KL राहुल का टीम में टिके रहने मेरे हिसाब से। तो हम ओवरसीज टूर की बात करें इंडिया की, वहाँ पर KL राहुल का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है, चाहे हम लॉर्ड्स में बात करें इंग्लैंड के खिलाफ, ओवल में भी उन्होंने सेंचुरी करी, फिर सेंचुरियन की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में 2021 में, 2023 में भी उन्होंने एक क्रूशल मोमेंट पे 101 रन की एक सेंचुरी लगाई थी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि अगर हम इन दो टेस्ट मैच में नहीं खिलाते हैं तो क्या BGT में उनको चांस है 11 में? देखिए BGT थोड़ा सा, वैसे तो आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेज हैं एंड इवन उनका जो डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में जब हुआ था वो भी MCG में ही हुआ था, बॉक्सिंग डे टेस्ट में, एंड वहाँ पे भी उनका शतक था। तो देखिए मैं वैसे तो एबिलिटी पे डाउट नहीं करता हूँ, बट अब अगर सरफराज खान ने ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड से, देन बड़ा मुश्किल है, मतलब आई थिंक KL राहुल का जाना। लेकिन जैसे सरफराज खान की बात करते हैं, कभी बाहर जाके हमने उनको परफॉर्मेंस देते हुए नहीं देखा डोमेस्टिक में, लाइक इंडिया ए का कोई टूर हो, ऐसे कोई टूर में उनकी सेंचुरी? देखिए अभी तो बिकॉज उनका सैम्पल साइज भी इतना नहीं है एंड ये भी बात है कि सरफराज हमेशा से अभी तक उन्होंने जितना क्रिकेट खेला या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डोमिनेट किया है, डोमेस्टिक डोमिनेट किया है, वो यहाँ इंडियन कंडीशंस में किया है, बट आई थिंक अभी, बट उनको ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि वो बाहर अच्छा नहीं खेल सकते या नहीं कर सकते, प्लेयर की एबिलिटी पे है। खैर मैं बहुत मानता हूँ बहुत डिफरेंट कंडीशंस होने वाली, थोड़ी मुश्किल भी होगा, बट फिर भी बैक करना चाहिए सरफराज को। और मोहम्मद सिराज पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, मोहम्मद सिराज ने लास्ट जो एक परफॉर्मेंस दी थी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में इसी साल की स्टार्टिंग में एक टेस्ट मैच था जिसमें 55 रन पे ऑल आउट कर दिया था साउथ अफ्रीका को। उसके बाद फिर 5 टेस्ट मैच होम घर पे इंग्लैंड से आए, फिर 2 और बांग्लादेश से आए, फिर एक अभी न्यूजीलैंड से गया, उसमें कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, उन पर आपका क्या कहना? सिराज का मेरा ये मानना है कि हाँ थोड़ा सा ऑफ द रेडार हो गया है, मतलब वो स्विंग एंड सीम जिसके लिए जाने जाते थे वो अभी उतना देखने को मिल नहीं रहा है, बट आई थिंक ये है कि उनको एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन टेस्ट टीम का। अभी भी फास्ट बॉलिंग यूनिट को स्पीयर हेड कर रहे हैं वो अलॉन्ग विद बुमराह, उन्होंने BGT में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछला BGT आप देख लीजिए 2020-21 जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी, बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल मतलब चाहूँगा कि BGT आते वक्त सिराज को बिल्कुल देखा जाए। जहाँ तक इस मैच की बात है जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड से अभी, वहाँ उनको आप ब्रेक दे दीजिए छोटा सा, और ब्रेक उनकी जगह यश दयाल को आप आकाशदीप को लेके आकाशदीप को लेके आइए उनकी जगह, एंड आई थिंक वो भी अच्छा कर रहे हैं, फोर्थ पेसर का काम BGT में वो भी अच्छा कर देंगे, तो आई थिंक बस एक ब्रेक की जरूरत है सिराज को, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्या 11 है? लेकिन 11 से पहले मैं एक सवाल पे आना चाहूँगा, न्यूजीलैंड से क्या चेंजेस देखते हैं? वैसे तो टीम जीत के आई है लेकिन फिर भी कोई एक जैसे मिचेल सैंटनर, क्या उनको मौका मिल सकता है? हाँ अब देखिए क्योंकि हम सुनने में तो अभी तक तो यही आ रहा है कि पुणे में रैंक टर्नर मिलेगी, और पिछला मुझे एक 2017 का टेस्ट मैच याद आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, पुणे में खेला गया था और उस ग्राउंड का भी पहला ही मैच था, तो वहाँ पर इंडिया को स्पिन से बहुत दिक्कत हुई थी एंड स्टीव ओकीफ एक बहुत एक स्पिनर हुआ करते थे उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम में,
उन्होंने काफ़ी विकेट चटकाए थे और इंडिया 100-110 पे दोनों इनिंग्स में सिमट गई थी एंड बहुत बुरी तरह वो मैच हार भी गई थी। तो मुझे यही लगता है कि इस पुणे में शायद रैन टर्नर ही बने जहाँ तक पिच का हम जानते, तो शायद मिचेल सैंटनर की वापसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। 11 थोड़ा जरा बात कर लेते हैं भारतीय 11 क्या होगी कल के मैच के लिए। तो मैंने अपनी 11 यहाँ पर लिख के रख रखी है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल एज यूजुअल ओपन, शुमन गिल एट 3 अगर फिट हैं, फिट तो हो ही गए हैं, प्रैक्टिस भी करते हुए देखे हैं, विराट कोहली नंबर 4, ऋषभ पंत, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव में से मैं वाशिंगटन सुंदर को लूँगा क्योंकि वो थोड़ी बैटिंग एबिलिटी के साथ जी मिल सकते हैं। बट आप अक्षर पटेल को भूल रहे हैं, वो भी तो है अगर हाँ मतलब वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल मेन, हाँ ये आपने बात सही की, अक्षर पटेल को भी एक मौका दे सकते हैं और फिर जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप, मतलब दो या तीन चेंजेस के साथ टीम इंडिया जाती है हमें देख सकती है अगले टेस्ट में। जी बिल्कुल आपकी सही बात है एंड मैं अग्री भी करता हूँ इससे कि ये टीम हो सकती है। एंड बस यही है कि अब विराट कोहली अपनी मेन पोजीशन जो नंबर 4 उनका स्पॉट है टेस्ट क्रिकेट में वही उनका रहेगा एंड होपफुली अब हम उनको डोमिनेट करते हुए देखें और उनका रोहित का और अब बाकी खिलाड़ियों का डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया क्योंकि जीतना ही है हर हालत में टेस्ट। और रोहित कोहली की बेस्ट टेस्ट इनिंग 254 वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थी 2019 में इसी ग्राउंड पर। हाँ जी जी, तो मैं तो बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है कि विराट कोहली ये मैच कर भी सकते हैं डोमिनेट। पिछले मैच में थोड़ा फॉर्म की झलक भी दिखाई उन्होंने जब 70 रन उन्होंने बनाए थे सेकेंड इनिंग्स में, सरफराज के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। तो होपफुली मैं आई रियली होप कि विराट कोहली अच्छा करे एंड या सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस। होपफुली इंडिया सेकंड टेस्ट मैच जीत जाए और एक खुशी दे दे क्योंकि होम टेस्ट मैच में होम में टेस्ट मैच भी जीतना एक बड़ी अच्छी बात हो गई है हमारे लिए। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सीरीज मतलब अगर ये सीरीज होती अच्छी या फिर मतलब वन ऑल कर देती है इंडियन टीम तो आगे जाके आई थिंक बहुत फ़ायदा होने वाला है इंडियन टीम। और जब हम किसी सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं फिर उसके बाद हमारी मेन सीरीज शुरू होती जी ये तो अब ये एक शुरू हुई है 2 टेस्ट मैच की सीरीज जो हमें जीतनी है जी। तो होपफुली इंडिया टेस्ट सीरीज जीते और ऐसे ही क्रिकेट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स ट्रम्पेट को। सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स ट्रम्पेट।